बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कॉलम के मुतल्लिक है। जब भी आप लोग इंटरव्यू देने जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा कि आपने किस किस चीज़ पे काम किया, यानी कि किस इक्विपमेंट पर काम किया, तो आपको पता होना चाहिए कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको जिस चीज़ के बारे में आप उसको बताएंगे उसी के रिलेटेड वो आपसे इंटरव्यू करेगा, उससे हट के वो आपसे क्वेश्चन नहीं करेगा। अगर आप कहते हैं कि मैंने कॉलम के ऊपर ही जस्ट काम किया तो आपसे कॉलम के मतलब डिफरेंट क्वेश्चन करेगा। अगर आप कॉलम के मतलब बता देते हैं तो कॉलम के मतलब आपको इसकी डिटेल आनी चाहिए, इसका फंक्शन क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। अब जो आज का हमारा टॉपिक है वो कॉलम है, कौन सा कॉलम है आज का जो हमारा कॉलम है वो पैकिंग कॉलम है। इसको पैकेट कॉलम भी कुछ लोग बोलते हैं, इसको कंटिन्यूस कॉलम भी बोलते हैं। तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं कि कॉलम की कितनी इकसाम है। तो ये हमारा जो इक्विपमेंट है वो किस में आता है, ये स्टैटिक इक्विपमेंट में आता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमने इस चीज़ के मतलब इंटरव्यू देना है तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी हम इसको डिस्कस करते हैं वन बाई वन, तो आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। टाइप्स ऑफ कॉलम, कॉलम की कितनी इकसाम है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कॉलम, टू टाइप्स ऑफ कॉलम, यानी कॉलम की दो इकसाम है वो आपसे पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम के नेम, व्हाट इज द नेम ऑफ द टू टाइप्स, टू एग्जाम है उसके नेम क्या है। नंबर वन पे है पैकिंग कॉलम, नंबर टू पे है ट्रे कॉलम। इसमें ट्रे पाई जाती है डिफरेंट टाइप्स की, इसमें छह ट्रे पाई जाती हैं, जिस ट्रे कॉलम में सिक्स टाइप की जो है वो ट्रे पाई जाती हैं। तो वो भी हम जब ट्रे कॉलम की वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर वन बाई वन जो है उसकी पिक्चरें लगाएंगे ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुके। जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे वहाँ पर उसके पास पिक्चरें होंगी, या तो नीन होंगी या ब्लैक एंड वाइट होंगी, तो आपको पता होना चाहिए यार कि ये वाले कॉलम ट्रे कॉलम है और इसमें ये वाली ट्रे है, इसमें बबल ट्रे है, ठीक है जी। तो इस तरह डिफरेंट सिक्स जो है वो ट्रे हैं, तो आपको पता होना चाहिए वाट ट्रे है। अब हमारे पास है पैकिंग कॉलम, पैकिंग कॉलम की कितनी इकसाम है। पैकिंग कॉलम जो है इसको हम कंटिन्यूस कॉलम भी कहते हैं, इसके दो नाम हैं ये याद रखना। नंबर वन पे है पैकिंग कॉलम, इसके बाद है इसको कंटिन्यूस कॉलम भी कहते हैं। अब हमने इसकी इकसाम इधर मेंशन की हुई, कंटिन्यूस कॉलम या पैकिंग कॉलम की कितनी इकसाम है, तो आपको पता होना चाहिए पैकिंग कॉलम या कंटिन्यूस कॉलम की दो इकसाम है, ओनली टू टाइप्स जो है। नंबर वन पे है रैंडम टाइप कॉलम, रैंडम टाइप कॉलम, उसके बाद है हमारे पास स्ट्रक्चर कॉलम, स्ट्रक्चर पैकिंग कॉलम। तो इस तरह ये दो नाम आपको याद होने चाहिए, वो आपसे पूछेगा ये नाम कि आपको पता ना हो। उसके बाद आ जाता है पैकिंग कॉलम, पैकिंग कॉलम कैसा होता है हमें कैसे पता चलेगा, तो इसमें मुख्तलिफ किस्म की पैकिंग पाई जाती है, इसी वजह से इसको हम पैकिंग कॉलम कहते हैं। इसकी जो लंबाई होती है वो कम होती, तो इतनी ज़्यादा इसकी हाइट नहीं होती, कॉलम बहुत हाइट के भी होते हैं। वो आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन करेगा कॉलम की कितनी हाइट होती है, तो कितने मीटर का होता है, तो आपको पता भी होना चाहिए। तो इसके जो मैनमे होते हैं उसके भी डिफरेंट साइज होते हैं, किसी का 16 इंच होता है, 21 इंच होता है। तो आगे वो हम इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको इंटरव्यू में दुश्वारी का जो है वो सामना नहीं करना पड़े। अब हमने इसको डिस्कस किया है कि इसकी दो टाइप्स है, रैंडम टाइप कॉलम और स्ट्रक्चर पैकिंग कॉलम। फिर अगला क्वेश्चन है पैकिंग कॉलम, इसकी आपने बताना है इसमें मुख्तलिफ किस्म की पैकिंग पाई जाती है, ठीक हो गया। तो इसके इसकी जो लंबाई होती है इसमें कम लंबाई जो है वो कम होती है, इसमें पाल रिंग पाए जाते हैं, ठीक है। इस तरह डिफरेंट पैकिंग पाई जाती है जिसकी वजह से इसको पैकिंग कॉलम कहते हैं, कंटिन्यूस कॉलम भी कहते हैं। आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन किया जाएगा कंटिन्यूस कॉलम जिसको कहते हैं, आपने बताना है पैकिंग कॉलम को कंटिन्यूस कॉलम कहते हैं, ठीक हो गया जी। अब हम इसकी जो है वो डेफिनेशन को एक्सप्लेन करते हैं जी। अब हमारा जो इसके ऊपर फंक्शन है वो डेफिनेशन है, इस जिसको तारीख भी बोलते हैं। हमारे मोस्टली पाकिस्तान में जो लोग हैं उनकी लैंग्वेज जो है उर्दू है, उनकी इंग्लिश वोकैबुलरी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इसी बेस पे हम जो है इसको उर्दू में मेंशन करते हैं। तो आप लोगों को जो है इसका सब टाइटल है उसके ऊपर क्लिक किया करके इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो ये अब हम इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करते हैं, किसी भी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को
डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, यानी कि जाने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। मसाल के तौर पर इसमें क्रूड ऑयल कालम में डालते हैं और वो इसको मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करते हैं। अब हम कालम में कैसे करते हैं, सबसे पहले ज़मीन से हमें क्रूड ऑयल मिलता है वो हम जो है वो इसमें पुट करते हैं। उसके बाद क्या है कि हम उसको बॉयलर के जरिए उसको हीट देते हैं। हीट देने के बाद कालम से आपने शिप देखे होंगे, बड़े बड़े शिप, उसमें जो है वो ऑयल डालता है। वो ऑयल सबसे पहले कालम से एक सेपरेट होता है तो उसको लैदा करता है। उसके बाद आपने जहाज़ देखे होंगे, फ्लाई जहाज जिसमें आप लोग आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, तो उसमें जो ऑयल डालता है फिर वो ऑयल जो है वो डिफरेंट जो है वो लैदा होता है। इसकी मुख्तलिफ शाखें बनी होती हैं जहाँ से, यानी कि इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसका 600 बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो टेम्परेचर जो इसका होता है। उसके बाद ये जो है वो लैदा हो जाता है, फिर हमारे पास जो फ्लाई जहाज है उसका जो है ऑयल है वो लैदा होता है। उसके बाद फिर एक टेम्परेचर आता है वहाँ पर, हमारे पास जो है वो डीजल लैदा होता है, सेपरेट होता है। उसके बाद एक ऐसा पिकअप पॉइंट आता है वहाँ पर जो है हमारा पेट्रोल सेपरेट होता है, मिट्टी का तेल सेपरेट होता है। उसके बाद हमारे पास लास्ट में आती है गैस, वो जो हमारे पास गैस होती है वो गैस जो है वो ऊपर से जो डोमेस्टर पैड लगे होते हैं उसमें नीट एंड क्लीन होकर ऊपर जाती है। जो डोमेस्टर पैड है तो वो क्यों यूज़ करते हैं, वो गैस के अंदर जितना भी कचरा वगैरह ये वेपर्स वगैरह होते हैं उसको अपने अंदर जज़्ब करके उनको ऊपर जाने देते हैं। तो डोमेस्टर पैड के ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोगों को पता चले डोमेस्टर पैड का फंक्शन क्या है, वो किस शेप के होते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन है, आपसे कोई भी पूछेगा तो आपने कहना है कि किसी भी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम कालम का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डीजल पेट्रोल गैस को सेपरेट करने के लिए, लैदा करने के लिए हम जो है वो कालम का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कालम जो है ये एक रीढ़ की हड्डी है, ये जो इंडस्ट्री है इंडस्ट्री के एक रीढ़ की हड्डी की मानक ये वर्किंग करता है। तो इस तरह आपको कालम के ऊपर भी मुकम्मल अबूर होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। तो लास्ट में एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, हमारे चैनल को कम अज़ कम आप जब वीडियो देखते हैं वीडियो अच्छी लगे उसको लाइक लाजमी है करें। मोस्टली मैंने दोस्त देखा है वीडियो देखते हैं, व्यू से हमें पता चल जाता है इतने व्यू हुए हैं मगर लाइक कम लोगों ने किया। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक लाजमी किया करें और दोस्तों को शेयर किया करें। जो फ्रेश दोस्त हैं उनको कहेंगे इसकी तैयारी करें और इंटरव्यू दें और बाहर जा सकें। हमारे बहुत से दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल से तैयारी की और वो बाहर चले गए, उसका भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, पिक्चरें भी दिखाएंगे, ये दोस्त फलां कंट्री में गया, ये पाकिस्तान में इस जगह पे गया, ये इस जगह पे गया, इतनी सैलरी ले रहा है। तो इस तरह जो है आपको पता चलेगा कितने दोस्तों को फ़ायदा होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।